4.30. A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर है, विद स्पीड दिस पासेस डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन, तो वो फाइटर प्लेन है वो एंटी एयरक्राफ्ट गन के ऊपर से जा रहा है, सो दिस इज फाइटर प्लेन जो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन के ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी आगे निकल जाएगा। और इसकी स्पीड क्या है? 720 किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसने एंटी एयरक्राफ्ट गन ने इस पर देख लिया है तो यहाँ तो निशाना लगाएगी तो उसका निशाना बेकार जाएगा, क्योंकि तब तक तो एयरक्राफ्ट आगे चला जाएगा, तो उसको ये एंटिसिपेट करके निशाना लगाना है कि मेरा राउंड जो जा रहा है वो आगे बढ़ेगा, तो दैट मीन्स अब वो भी एक प्रोजेक्टाइल पाथ में चलेगा, तो वो किस एंगल पर निशाना लगाए कि वो पॉइंट जब तक एयरक्राफ्ट वहाँ पहुँचे तब तक उसका जो प्रोजेक्टाइल पाथ है, क्योंकि वो भी एक प्रोजेक्टाइल पाथ ही होगा, ऐसा तो नहीं कि सीधे जाएगा ग्रेविटी के अंडर में, तो उसका राउंड उसे हिट कर दे, कोलाइड कर दे, जब तक एयरक्राफ्ट यहाँ पहुँचे तब तक उसका राउंड वहाँ पहुँचे, तब तो ये माना जाएगा कि इसने इसको हिट कर दिया, मोशन प्रोजेक्टाइल होगा, लेकिन उसका एक इनिशियल स्पीड होगा, वो किसी एंगल में फेंकेगा जाएगा नहीं वैसे ही सीधे, वो तो एक एंगल बनाता हुआ जाएगा। तो एट वॉट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर फ्रॉम द शेल विद ए मजल ऑफ मजल स्पीड एज 600 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसकी मजल स्पीड है 600 मीटर पर सेकेंड इसकी यू है, तो टू हिट द प्लेन एट वॉट मैक्सिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई, अगर ये 600 है तो इसका हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन क्या होगा, यानी इसका जो वेक्टर होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इस डायरेक्शन में कितना होगा, तो आप पैरेललोग्राम लगा दो बिल्कुल इतना बनेगा, और ये कितना बनेगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजेंटल, तो क्या ये यू कॉस थीटा बनेगा, बताओ। आपको बताया था कि किसी वेक्टर का कहीं कंपोनेंट लेना है तो थीटा पे ले लो, जैसे एक वेक्टर है तो उसका ये कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में लेना है तो क्या लोगे बताओ, यू कॉस थीटा लोगे कि नहीं, और दूसरी तरफ लेना है तो क्या ले लो, हमेशा कॉस थीटा ही लिया जाता है, तब 90 माइनस कॉस थीटा ले लेना तो साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि इधर का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है कि नहीं, तो यू 90 कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा बन जाएगा, तो थीटा कोई भी कंपोनेंट है वो कॉस ही होता है, साइन कुछ नहीं होता, जब ये 90 माइनस थीटा रखोगे और कॉस लगाओगे तब साइन बनेगा, तो ये हमने कंपोनेंट ले लिया। क्या इस बुलेट की हॉरिजेंटल स्पीड यही है और इस पर ग्रेविटी का कोई भी प्रभाव नहीं है, बोलो। तो अगर ये जब आगे हॉरिजेंटली यहाँ पहुँचे जिस टाइम में, तो उस टाइम में जहाज यहाँ भी पहुँच जाना चाहिए, तो दोनों हिट कर जाएंगे, हमें वर्टिकल से क्या लेना देना, हॉरिजेंटली जब ये इतनी डिस्टेंस तय करे तो उस समय एयरक्राफ्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, लेट एट टी टाइम द बुलेट हिट्स एंटी एयर, ये जो बुलेट एंटी एयरक्राफ्ट गन से छोड़ी गई है वो उसको हिट कर देती है, लेट एट टी टाइम टाइम टी गन हिट्स, तो वो उसको हिट कर देती है। अब देखें कि बुलेट हिट्स एयरक्राफ्ट, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट, तो वेलोसिटी इसकी कितनी है 720 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर पर आवर को बदलो तो क्या हो जाएगा, 720 किलोमीटर पर आवर बदला जाएगा, देन 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 720 इंटू 5/18 एट इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट इज टू बी मेंशनड एट बोथ द प्लेसेस, तो इट इज 200 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ टी टाइम पे ये कितना आगे बढ़ जाएगी, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एयरक्राफ्ट क्या होगा,
एयरक्राफ्ट इन टी सेकेंड दैट इज वेलोसिटी इंटू टाइम दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड इंटू टी सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया और ये कितना आ गया, क्या 200 टी मीटर डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलेट। तो वो कितनी हो जाएगी अमांशी, सताक्षी, एम आई ऑडिबल, आवाज तो बताओ कितनी हो जाएगी ये बुलेट की स्पीड अगर टी सेकंड में कितना चल लेगी, एक सेकंड में इतना चलती है तो टी सेकंड में कितना चल लेगी हॉरिजॉन्टली। हाँ तो u cos थीटा इसकी स्पीड है और इंटू टी कर दो तो u t cos थीटा, क्या दोनों इक्वल चलेंगी अगर हिट करना है फॉर कंडीशन ऑफ कोलिजन, बोलो yes, उनका एक्स कंपोनेंट सेम होना चाहिए ऑफ कोलिजन देयर एक्स कंपोनेंट। शुड बी सेम, मैं ये एंटिसिपेट करके चल रहा हूँ कि उस हाइट को वो पा ही लेगी, शुड बी सेम। तो अगर ऐसा होगा तो 200 टी किसके इक्वल हो जाएगा, क्या यू टी कॉस थीटा, बताओ टी से टी कट गया और बुलेट की इनिशियल स्पीड कितनी थी, क्या 600 मीटर पर सेकेंड, बोलो। तो कॉस थीटा कितना हो गया, क्या 1/3 या 0.3333, नेचुरल कोसाइन देख के बताओ थीटा कितना हुआ, है लॉग टेबल खरीद के तो लाइयो, बताओ नेचुरल कोसाइन देख। सताक्षी आपके पास है क्या, हाँ बता देंगे बिल्कुल, एक मिनट लॉग टेबल देख लें कितना आया। तो नेचुरल कोसाइन में 0.33 देख रही हो, लॉगरिथमिक ना देख लेना, तो नेचुरल कोसाइन में 0.33 देखो, देन इट कम्स एज ये है 0.3256 है, 3272, 3289, 3305, ये सही लग रहा है 70.7 में आ रहा है हमारा, अच्छा 7 3333 देखो कौन सा देख रही हो, 3333 हाँ सही कह रही हो। सो इसका मतलब है कि थीटा इज इक्वल्स टू 70.5 डिग्री, तो ये हॉरिजेंटल से एंगल है और वर्टिकल से बुक में दे रहा है, तो वर्टिकल से कितना हो जाएगा अगर हॉरिजेंटल से इतना है, तो वर्टिकल से कितना हो जाएगा, क्या 19.5, चेक कर लो है बात कि नहीं। सो फ्रॉम वर्टिकल बुलेट इज टू बी फायर्ड, एट 19.5 डिग्री टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, तो जहाँ एयरक्राफ्ट जा रहा है उस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर एयरक्राफ्ट आगे जा रहा है तो यहाँ पर उसे आगे की ओर इस तरफ
इंक्लाइन करके अपना एंटी एयरक्राफ्ट गन को तब राउंड मारना चाहिए, क्योंकि तब तो एयरक्राफ्ट आगे चला जाए। अभी अभी इसने देखा है ऊपर जाते हुए, तो लेकिन वो आगे निकल जाएगा, तो इधर उसने किया। इसका जो इधर का कंपोनेंट है वो यू कॉस थीटा है, और ये जहाज इस स्पीड से चल रहा है। अगर ये टी टाइम पे कितना चलेगा, तो क्या 200 टी चल लेगा इधर की ओर? अच्छा, इस पॉइंट पर दोनों के एक्स और वाई कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है इट इज़ हैविंग सफिशियंट एनर्जी टू गो अप टू हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये जितनी भी ऊंचाई पर चल रहा होगा, ऊंचाई एल्टीट्यूड तो दी है कि इसमें, ये भी दिया एल्टीट्यूड एट वॉट मिनिमम एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड अभी इसका सेकेंड पार्ट भी है, तो ये कितने ऊंचाई पर चल रहा है? क्या 1500 मीटर पर चल रहा है? बोलो कितनी हाइट है? 1500 मीटर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जहाज़ बहुत ऊपर चले तो ये गन ऐसे ही आ जाए और जहाज़ को टच भी ना कर पाए, ये भी हो सकता है कि नहीं? तो अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उसका एल्टीट्यूड क्या है, दैट इज़ द बी पार्ट। लेकिन अभी हम ये बात मानते हैं कि टी टाइम पे ये कोलिजन हुआ, जहाज़ भी यहाँ पहुँचा, ये भी पहुँचा। इसका इधर का कंपोनेंट क्या है? यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा अगर इधर का कंपोनेंट है तो यू कॉस थीटा इंटू टी, तो इतना ये डिस्टेंस चल लेगा टी टाइम में। तो क्या इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस और इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस अगर सेम होगी, तो क्योंकि ये तो इसका प्रोजेक्टाइल पाथ है, तो जब यहाँ पहुँचेगा वही तो इसका एक्स कंपोनेंट है। कोई ग्राउंड पे तो खिसक के चल नहीं रही गोली, तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि व्हेन देयर बोथ एक्स कंपोनेंट्स आर इक्वल देन ओनली दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन। तो मैंने 200 टी को क्या 600 कॉस थीटा इंटू टी कर दिया है? बोलो सताक्षी, आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है, एम आई ऑडिबल? सताक्षी का रिस्पांस नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। सो बी पार्ट क्या कहता है कि व्हाट शुड बी, यानी इस प्रोजेक्टाइल की कुछ तो मैक्सिमम हाइट होगी कि नहीं, तो ये देखा जाए कि इसका ऊपर का कंपोनेंट क्या है। तो ऊपर का कंपोनेंट क्या होगा? अगर ये यू स्पीड से चल रहा है तो पैरेललोग्राम की तरह ही हाइट रखो, ठीक है? ओके, नाउ इफ वीडियो इज ब्लर देन आई कैन जस्ट, अभी ठीक है? अच्छा, बात समझ में आई जो मैंने सिखा बताई आपको कि नहीं समझ में आई? नहीं आई, थोड़ा ऊपर का तो आ गया था। आप तो, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये टी टाइम पे ये यहाँ पहुँचता है, तो ये राउंड को भी टी टाइम पे पहुँचना चाहिए। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, तो टी टाइम पे कितना चल लेगा? यू कॉस थीटा इंटू टी, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, और इसमें भी स्पीड इंटू टाइम कर दिया। तो दोनों के जो एक्स कंपोनेंट हैं, यानी इस एयरक्राफ्ट का एक्स कंपोनेंट है 200 टी, वाई कंपोनेंट तो इसका कांस्टेंट है, इसका वाई कंपोनेंट वेरिंग है। तो इसका एक्स कंपोनेंट इसके एक्स कंपोनेंट को बराबर हो जाए तो फिर वो हिट कर दे। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या है? 200 टी, और इसका एक्स कंपोनेंट क्या है बताइए? दैट इज़ यू कॉस थीटा इंटू टी। तो वो दोनों इक्वल कर देने चाहिए कि नहीं, क्योंकि यही तो वो एक्स है जहाँ पर वो हिट करेगा इसी हाइट पर। तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया फॉर कंडीशन ऑफ कोलिजन। आगे पीछे जाएगा तो हिट नहीं होगा, तो टी कट हो गया और कॉस थीटा क्या आ गया? 1/3। 1/3 में 0.3333 है, तो 0.3333 को हमने नेचुरल कोसाइन में देखा, लॉगरिथमिक टेबल में। तो लॉगरिथमिक टेबल एक तरीके की बुक है, जो कितने की मिली थी हमानसी? 20 रुपये की, 22। तो उसी में नेचुरल कोसाइन है, लांबा क्या मिल जाएगी। तो उसमें आप नेचुरल कोसाइन में 0.3333 देख लें, तो 0.3333 देखने पर 70 पे आ रहा है, 0.33 के आसपास जो है, ये 0.3338 देखा गया है, ये ज़्यादा पास है। तो इसके ऊपर डेसिमल भी देख लो कितने हैं, तो 0.5 है, तो ये 0.5 है, और ये 70 है,
तो 70.5, तो 70.5 ले लिया गया। तो ये चीज़ है। फिर थीटा तक समझ में आ गया कि हॉरिजेंटल से इसका कितना एंगल हो चाहिए। हाँ नहीं बोलोगी तो फिर हमें हमें ज़्यादा सहूलियत रहेगी, तब फिर हम तब समझ पाएंगे। समझ आ गई बात। अब वो कह रहा है कि एयरक्राफ्ट कितना मिनिमम ऊंचाई पर उड़े कि वो हिट हो जाए। तो ये जो इसकी हाईएस्ट है, क्योंकि हाईएस्ट है, कई बार ऐसा भी हो सकता है उससे ऊंचे उड़ेगा तो वो देखने वाला तो ये पता नहीं कर पाएगा कि उसकी हाइट कितनी है सिर्फ देखने मात्र से। तो अब वो कह रहा है कि कितने हाइट पे उड़े कि एंटी एयरक्राफ्ट गन हिट हो जाए। तो जो उसकी मैक्सिमम हाइट है उस केस में वो उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे हिट हो पाएगा, यानी हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम ये चेक करते हैं कि यदि ये यू है और ये थीटा है तो इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्या यू साइन थीटा, और एच मैक्स की क्या इक्वेशन होती है, सताक्षी फार्मूला बताओ। आपका ऑडियो ही म्यूट हो जाता है। अमांशी फार्मूला बताइए। ऑडियो म्यूट ना रखा करो। 2G है कि जी? चलो अब दैट इज इट इज यू साइन थीटा। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसे लिख लूँ यू स्क्वायर, क्या इसे 600 का स्क्वायर लिख लूँ? और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos² θ। क्या मान लो किसी को लॉग टेबल ना मिले तो क्या करेगा, और अपॉन 2G, तो 2 × 9.8। तो बुक कह रहा है 10, तो 10 ले लेंगे, उसने कहा 10 लो। अच्छा कॉस थीटा बताओ, कॉस थीटा 1/3 आया है, तो कॉस थीटा 1/3 आया है, तो 600² और 1 - 1/3² और by 20, तो इट इज 600 × 600 और × 1/9, तो 8/9 आ जाएगा और by 20, 20 से इसको कट करो तो 30 आया, 30 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 1800 आया। तो ये कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा × 8/9, 9 से कट करो तो ये 2000, 2000 से 8 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा कि दैट इज़ ये मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल ले सकता है। ये तो प्रोजेक्टाइल ये एंटी एयरक्राफ्ट गन की हाइट है, अगर उससे ऊपर जहाज है तो कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन उसे मार नहीं सकती। तो इट इज 16, ये तो 16,000 meters या 16 kilometers कितना आ गया, अब वो तो 1.5 पे ही है, यानी एंटी एयरक्राफ्ट गन इज सफिशियंट टू किल एनी लोअर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या फिर लो लेवल फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। इतने ऊपर उड़ना चाहिए, वो तो 1.5 पे उड़ रहा है और 10 किलोमीटर से ऊपर तो कोई जहाज जाता ही नहीं है। तो आप ये जान लीजिए स्ट्रेटोस्फीयर में कोई जहाज नहीं जाता, सब ट्रोपोस्फीयर में ही उड़ते रहते हैं। तो इस तरीके से द एयरक्राफ्ट शुड फ्लाई, अगर वो 16 किलोमीटर की रेंज में तक भी ऊंचा जाएगा तब भी वो मारा जाएगा। अब वो तो यहीं उड़ रहा है इस रेंज पे, इस हाइट पर 1.5 पे, तो बताओ बच सकेगा, बताओ 1.5 पे उड़ा तो कहाँ बच पाएगा, 16 तक भी उड़ता तो ना बच पाता, 16 किलोमीटर से ऊपर जाए उतने में तक तो उसका फ्यूल ही ख़त्म हो जाएगा, उतनी हाइट लेना आसान नहीं क्योंकि उसके ऊपर एटमॉस्फेयर डेप्लीट रहता है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी 1 किलोमीटर के ऊपर आधी हो जाती है, जो कि 1 किलोमीटर के नीचे 1.29 kg/m³ होती है वो आधी हो जाती है। तो उसके ऊपर जब जहाज़ को ठीक तरीके से ब्योयंसी नहीं मिलेगी वो उड़ कहाँ पाएगा, और 16 किलोमीटर के ऊपर तो कोई जहाज़ उड़ ही नहीं पाता है ना, उसको स्पीड मिल पाएगी। तो इस तरीके से हमारी हर एंटी एयरक्राफ्ट गन उसे हर हालत में मार सकने में कामयाब हो जाएगी। बात समझ में आ गई। सो दैट इज़ द प्लेन शुड फ्लाई एट ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 16 किलोमीटर। तो प्लेन शुड फ्लाई एट मैक्सिमम हाइट, ये लिमिट है, अबव 16 लिख देना चाहिए, टू एस्केप बुलेट ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट गन
बुलेट ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट गन। एंटी एयरक्राफ्ट गन एडन गन गाशा गन होती हैं जो 30 mm कैलिबर की होती हैं। 30 mm तो उसका रिम होता है, इतनी मोटी, डेढ़ डेढ़ किलो की। इगला मिसाइल भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती है, वो भी एंटी एयरक्राफ्ट गन है। 4.31। सो जो ग्राउंड से एयर में फायर करे, सरफेस टू एयर, वो सब एंटी एयरक्राफ्ट गन मानी जाती हैं। एंड साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद स्पीड दिस एज ही अप्रोचेस अ सर्कुलर टर्न ऑन ए रोड ऑफ रेडियस दिस ही अप्लाइज ब्रेक एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड एट कॉन्स्टेंट रेट। अगर कोई साइक्लिस्ट इस स्पीड से चल रहा है और सर्कुलर टर्न पर जाता है तो वह ब्रेक लगा लेता है, तो अब ऐसी स्थिति में एट ए कॉन्स्टेंट रेट पर जाने लगता है एवरी सेकेंड। तो ये एक हमारे पास सर्कुलर पाथ है और साइक्लिस्ट अगर इस पर चल रहा है तो जो साइक्लिस्ट है दैट विल लिटिल बिट इस पर झुक जाएगा और ये चलने लगेगा थोड़ा सा। ये एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि थोड़ा झुक जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ लीनिंग टूवर्ड सर्कल। ऐसा हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा वो क्यों करेगा। एक कंपोनेंट उसका जो है उसको एक्सीलरेशन देगा। तो एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ देखो कि किस स्पीड से चल रहा था, विद ए स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर। अब जब वो टर्न पर आता है, सर्कुलर टर्न पर, और उसका रेडियस कितना है, क्या ये 80 मीटर है, तो रिड्यूसेज इट्स स्पीड, रिड्यूस कर रहा है एट ए कांस्टेंट रेट। तो इसका एक्सीलरेशन क्या हुआ, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा ध्यान तो दो, हमने ये एक्सीलरेशन लिखा है, उसकी स्पीड जो कि 27 मीटर पर सेकंड थी वो उससे कम करते करते धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है, ब्रेक लगा दे रहा है, नहीं तो फिसल जाएगा, स्किड कर जाएगा। तो वो इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड पर सेकंड कम करता है। देख लो लिखा है दिस मच स्पीड पर सेकंड, कैसे कम करता है, और निगेटिव साइन भी लगा दो, यानी वो डेसिलरेट करता है, वो अपनी साइकिल पर ब्रेक लगाता है और रिटार्ड करता है। ये निगेटिव साइन लगाए कि नहीं, 27 में चलेगा तो स्किड कर जाएगा। तो जब भी आप सर्कुलर टर्न पर अपनी स्कूटी ले जाती हो तो हल्का सा ब्रेक लगाते हो कि नहीं, तो रिटार्डेशन है। अब अगर एक साइक्लिस्ट है तो साइक्लिस्ट रिटार्ड भी कर रहा है, तो अब दो तरीके के इसमें मोशन है। एक तो इस सर्कुलर पाथ में, अब मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो जो साइक्लिस्ट इधर जा रहा है, तो अब इधर जाने पर एक तो इसका नीडेड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है जो उसने झुक के पा लिया है, यानी जो सर्कुलर पाथ पे कोई चल रहा है तो जो बाइकर है वो बाइकर झुक जाता है। यानी ये अगर आप देखें कि ये बाइकर चल रहा है तो बाइकर क्या करेगा, अपनी गाड़ी को किधर झुका लेता है, सो ये बाइकर इधर झुका लेता है, तो नेसेसरी उसको एक कंपोनेंट मिल जाता है इधर की तरफ सेंटर की ओर झुकने की वजह से, वो फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन का चैप्टर आगे है कि किस तरीके से इसे मिल जाता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इधर है, जहाँ पर तुम ज़मीन में दाब डालोगे उधर ही तो नॉर्मल रिएक्शन पड़ती है। जैसे अभी एक चीज़ है, ये ज़मीन में इधर वेट लगा रही तो इसके उल्टा नॉर्मल रिएक्शन है कि नहीं, बताओ इसे क्या कहते हो, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इधर अब हो गई, अब इस नॉर्मल रिएक्शन का इधर एक कंपोनेंट मिला कि नहीं, इसको थीटा झुक गया, तो क्या वही इसके लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम नहीं करेगी, बोलो। तो ये इसलिए झुक जाता है, आप भी झुक जाती हो जब भी कभी आप किसी सर्कुलर पाथ में केवी नंबर 1 को क्रॉस करती हो, तो सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर रोड है, तो वहाँ झुक जाती हो केवी की तरफ, तब आप जाके कर पाती हैं, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इसे ये नेसेसरी दे देती है, बट दैट इज़ नॉट द केस। आप अपनी स्पीड भी कम कर देती हैं, हमारा केस स्पीड का है। तो अगर ये इधर चल रहा है, इसकी इधर वेलोसिटी है और वो खुद को रिटार्ड कर रहा है, तो क्या ये जो रिटार्डेशन है ये उल्टी तरफ हुआ, बताओ। जिधर चल रही हो ब्रेक लगा दिया, वो कह रहे हैं कि 27 पे जा रहा है और हर सेकंड अपनी स्पीड इतनी कम कर रहा है, तो ये रिटार्डेशन है ना। तो ये क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसलिए 80 लिखूं क्या, और जो नॉर्मल रिएक्शन है एसी,
क्या वो आपने झुक के पा लिया है? बताओ। तो अब दो तरीके के चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उसको एक नेसेसरी एक्सीलरेशन चाहिए जो मैं वी स्क्वायर बाई आर से पा सकता हूँ। इज इट करेक्ट? अब देखो, तो अब व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस, ही अप्रोचेस ए सर्कुलर टर्न एंड ही अप्लाइज ब्रेक, रिड्यूस कर लेता है एट कॉन्स्टेंट रेट एवरी सेकेंड, वॉट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ साइक्लिस्ट एंड द सर्कुलर टर्न। तो अब जरा देखो कि यहाँ पे आने पे इसने ऐसा किया, तो अब उसी मोमेंट पे जब इसने ब्रेक लगाया उस समय पूछा गया, तो वेलोसिटी कितनी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, दैट इज़ इक्वल्स टू 27 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बदलो, तो किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो गया, 15 by 2 = 18, 9 × 18 = 27, 15 by 2 मीटर पर सेकंड हो गया। अच्छा, वेलोसिटी हो गई, तो मुझे बताओ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला है सताक्षी? वेरी गुड, वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर है 15 बाई 2 का स्क्वायर और आर कितना है 80। नाउ आर इज इक्वल टू 80 है, देखो 80 मीटर है, तो 80 लिख दिया, तो 15 का स्क्वायर करो, क्या 225 है, और बाई 2 है तो 4 × 80, ये तो एसी हो गया, कुछ कट जाए तो काट दो, 5 से काट देते हैं, 25 से तो नहीं कटेगा, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 से और काट दो, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, अब ये 45/64 आ गया है, ये तो किसी से भी नहीं कटेगा, यही चीज़ है। तो इसको आप डेसिमल में बता दीजिए, जिसके पास कैलकुलेटर हो मुझे वैल्यू बता दें। जीरो पॉइंट सेवन जीरो थ्री एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो एसी हो गया। अच्छा एसी ये है तो एटी क्या है, एटी भी तो बताओ, बताइए क्या माइनस 0.5 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेक्टर लगा दोगी तो निगेटिव भी लगा सकती हो, इज इट ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो एसी और एटी पता चल गया है, तो अब हमें क्या चाहिए, क्या इसका मैग्नीट्यूड चाहिए रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के लिए इसे 0.5 लो और इसे कितना लो, ये कितना आया, क्या 0.703 आया है, चेक करो, और ये इतना आया है, फ्री वेक्टर है कि नहीं, ऐसे कर लिया कि नहीं, तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक वेक्टर इस सर्कुलर पाथ में एक सेंटर की तरफ है और एक किधर है बताओ, इधर है, तो अगर मैं इसका वेक्टर निकालूं तो मैंने लेंथ भी वैसे रख रखी है 0.703 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 0.5 को छोटा रखा, इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना होगा, और तो कि तो ये वेक्टर क्या होगा बताओ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, सो दैट इज ए वेक्टर या ए रिजल्टेंट, तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। सताक्षी जहाँ ना समझ में आए वहाँ पूछ लेना, चूँकि मैंने ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया है इसलिए 0.5 लिखा है, आपकी मर्जी है तो वैसे ले लें, हमने अपोजिट डायरेक्शन तो दिखा दी ना, तो अब निगेटिव की बात ही नहीं रह गई, अब हम खुद ही वैसे ले लेंगे, तो ऐसा होता है, तो इट इज़ ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करो, ए सी स्क्वायर कितना है 0.703 का स्क्वायर और ए टी कितना है 0.5 का स्क्वायर, इसका पता लगाओ और अमानसी बताओ,
कुछ इंटरमीडिएट टर्म्स भी बताना हो तो बता सकती हो, वरना ऐसे भी बता दो जैसे चाहो। हाँ 55। अब टोटल करके निकाल लो, 49 है, 4 2 6 1 7, 7 हो जाएगा 0.7 9 5 14 42। अब निकालो 0.2442 आ रहा है, 8 आना चाहिए, 8 आ रहा ना, टू कैसे आ जा रहा है, कैसे कर रही हो? अब करो 7442 अपॉन 1 2 3 4। अब बताओ नीचे 100 आ गया, ऊपर का निकालो, तो पहले कैसे गलत आ रहा था, 0.8864 यही हो जाता है, पेयर तो करोगे कि नहीं, 2 2 जैसे कैसे निकल जाता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गई, एक्सीलरेशन पूछ रहा है ना कि मैग्नीट्यूड, तो क्या मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी? तो टेन थीटा का क्या फार्मूला हुआ, क्या इट इज 80/AC परपेंडिकुलर बाई बेस, एटी कितना है, 0.5 AC कितना है, 0.703। तो ज़रा इस चीज़ का पता करो, जो चीज़ सीधा लिखना चाहे वो भी कर सकते हैं, 0.5 और AC कितना आया था, क्या 45/64, तो इससे भी आसान हो जाएगा आपका, कुछ चीज़ें शायद आसान हो जाएं, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ये वैल्यू रख दो। कभी कभी फ्रैक्शन रख लेने में भी आसानी होती है, मैंने ये रख लिया क्योंकि आपके हाथ में कैलकुलेटर है इसलिए ये रख दिया, बताओ कितना आएगा। बताओ डिले कर रही हो, ये वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो में गड़बड़ी है क्या, अमानशी ब्लर है, चलो मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया है, अभी शायद कुछ इम्प्रूव हो जाए, अभी ठीक है, इज इट ओके नाउ? हाँ बोलो क्या बोली, बिल्कुल वैल्यू बताइए, 0.711, अगर 500 रखते हैं तो 0.711, ये टेन थीटा हो गया। अब थीटा बताओ, नेचुरल टेंजेंट देखो, टेन थीटा बताओ बुक से, सताक्षी यहाँ तक समझ में आया, और एक वैल्यू बताती, 4 डिजिट बताया करो, ना एक और वन है, चलो नेचुरल टेंजेंट्स, नेचुरल टेंजेंट में 0.711 है, नेचुरल टेंजेंट्स में
0.571 तक जाओ तो वन कहाँ तक है, 7111 तो यही ठीक है, ये वैल्यू सही है, 107 ले लेते हैं, तो कितना बताया 35.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 35.4 कि 5 आया, क्या लिया, सही है, सो 35.4 लिख लो, इट इज इक्वल टू 35.4 डिग्री, ये थीटा हो गया, थीटा लिखना, अच्छा ये थीटा कहाँ से एंगल है, क्या ये थीटा सेंटर से है, ठीक है, सो ये चीज़ है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये थीटा है, ये सेंटर से है, फ्रॉम सेंटर, अगर ये एंगल इस तरीके से चल रहा था, इस तरीके से ये चल रहा था, इस तरीके से चल रहा था, तो अगर एक्सीलरेशन से मैं ये एंगल निकालना चाहूँ तो कितना होगा, 90 से माइनस करो, यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से इसका कितना है, क्योंकि पीछे आंसर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से दिया है, तो अब हमारे पास जो एंगल आ गया है वो कितना है, इससे इससे जो एंगल है वो कितना आया है, 30 सेंटर से 35.4 डिग्री, तो ये कितना हुआ, 90 से माइनस करो तो 90 में से 35 चला गया, 30 जाने से 60 आता है, और तो 55, तो 54.6 डिग्री, सो फ्रॉम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टूवर्ड्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन द एंगल इज मेड फ्रॉम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंगल ऑफ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इज 54.6 डिग्री एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज, और उसका परिमाण क्या है, मैग्नीट्यूड इज जो कि पहले निकाला जा चुका है 0.863 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो बात समझ में आ गई, हमारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोर पॉइंट थ्री टू ए कह रहा है कि शो दैट फॉर ए प्रोजेक्टाइल द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस, अगर एक प्रोजेक्टाइल जा रहा है तो ये बताओ कि किसी भी प्रक्षेपक की वेलोसिटी, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस कहीं पर भी, अब ये शुरुआती तो यू है लेकिन हर जगह तो यू नहीं रहेगी ना, और ये थीटा नॉट है जो शुरू के एंगल पर फेंका गया, लेकिन हर जगह तो ये नहीं रहेगा, फिर बीच बीच में कहीं भी अगर हम देखें तो इसकी वेलोसिटी मैंने वी मान ली है और उसका एंगल अब थीटा माने, क्योंकि ये हर जगह इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होती जाएगी, तो किसी बीच की पोजीशन में मैंने इसे वी और थीटा मान लिया है। अब जरा देखो, एट एनी टाइम टी, लेट एट एनी टाइम टी velocity of projectile is v, इसकी velocity v है, and angle theta क्या होगा, angle with horizontal is theta, तो एक हमने intermediate situation ले ली है। अब जरा देखो क्या कहता है question, एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल बनेगा वो क्या होगा। अच्छा अब कुछ चीज़ें देखो, कह रहा है कि इस टेन थीटा को निकालो, अच्छा ये अगर वेलोसिटी है तो क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वी कॉस थीटा, बोलो, और क्या एक वी साइन थीटा होगा इधर का, इतनी बात हो जाएगी कि नहीं। अच्छा तो अगर मान लीजिए
इसकी शुरुआती वेलोसिटी इधर की ओर, भाई शुरुआती वेलोसिटी हमने ले ली है, बुक कहता है वी ना लो, बुक कहता है कि इसे वी नॉट लो, क्या कहता है वी मत लो, यू मत लो, क्या कह रहा है शुरुआती वेलोसिटी को क्या ले लो, बोलो वी नॉट लिया। तो क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हुआ शुरुआती वेलोसिटी का, बोलो। अच्छी बात कही है। और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ, अच्छी बात कह रही हो, और थीटा नॉट नहीं बोलती हो। चलो अब ये बात हो गई। तो ये जो ऊपर जा रही है, तो किसी भी समय में हम ये कह सकते हैं कि अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जानती हैं आप? तो किसी एक समय में इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, क्या v साइन थीटा है, बोलो। और शुरुआती वेलोसिटी कितनी थी, और ऊपर का एक्सीलरेशन कितना था, क्या माइनस जी और इनटू टी, बोलो। इस बात से सहमत हो, सब मैंने वर्टिकल वर्टिकल का लिया, देख लो जी नीचे लग रहा था तो माइनस ले लिया, वेलोसिटी ऊपर थी तो शुरुआती वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा ली, थीटा नॉट, बोलो समझ में आई बात, फार्मूला काइनेमेटिक इक्वेशन का लगाया और किसी एक बीच की पोजीशन में ये ली, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? ये शुरू की वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो गई कि नहीं, ये गया ऊपर जाता जा रहा है, तो इस पोजीशन तक जाते जाते क्या इसकी वेलोसिटी कम नहीं हो जाएगी किसी भी पॉइंट पर टी टाइम में? तो ये अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है, मैं ऊपर की बात करता हूँ, तो ऊपर शुरू में किस स्पीड से जा रहा था, क्या वी नॉट साइन थीटा नॉट से जा रहा था? और मैं कह दूँ इसके बीच की पोजीशन में हमें नहीं लेना देना ऊपर तक जा रहा है, हमें तो बीच में चाहिए, टी टाइम पे यहाँ पहुँचा, बताओ टी टाइम पे अगर यहाँ पहुँचा तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो क्या हम ये फार्मूला लगा दें, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बोलो। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू जो होगी दैट विल बी, नाउ अब देखिए, इट इज इक्वल्स टू दैट विल बी इट्स वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट भी लिखा जा सकता है, सो इसे वी नॉट वाई लिखा जा सकता है, बाद में हम साइन थीटा डाल देंगे, और माइनस जी टी लिखा जा सकता है कि नहीं, वी वाई वाई कंपोनेंट, बोलो। इतना समझ में आया कि शुरुआती वेलोसिटी कितनी है अगर ग्राउंड से फेंका गया, क्या यही वी नॉट वाई है? शुरुआती वेलोसिटी अलोंग वाई, ये लिख दिया। अच्छा इसके अलावा देखो, ये तो वी नॉट वाई है, और एक और बात देखिए कि अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, इसका कंपोनेंट क्या होगा, वी एक्स। तो फिर से अलोंग एक्स एक्सिस देखिए, क्या एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट नहीं बदलते, क्योंकि उधर ग्रेविटी नहीं लगती, तो एक्स एक्सिस की तो एक्स एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगा कि जो शुरुआती स्पीड है दैट इज वी नॉट एक्स टी, वही वी एक्स टी हो जाएगी क्या, क्योंकि वो तो कभी बदलेगी ही नहीं, तो v नॉट x ही vt है, और tt अगर कट कर दिया जाए तो vx क्या आ जाएगा, दैट इज v नॉट x, वरना इसे आप ये भी कह सकते हैं कि v नॉट x ना बोल के v नॉट cos थीटा लिख सकते हो क्या? ये vx हो गया इतनी, चलो v नॉट x है। अब हम देखें कि किसी भी टाइम पर, यहाँ पर देखो ये हमने प्रोजेक्टाइल बना लिया है, तो प्रोजेक्टाइल में दो पोजीशन है, यहाँ पर ये ऐसे जाना चाहता है, ये इसकी v है, इधर पर ये इसकी क्या वेलोसिटी है, क्या इसे v नॉट x बोला जाए, v नॉट नहीं सिर्फ v x बोला जाए, बताओ, और इसे क्या बोला जाए, क्या v y बोला जाए, और अगर
मैं कहूं कि ये थीटा है, तो बताओ टैन थीटा क्या हुआ? क्योंकि ये चीज ये है, तो ये वी वाई हुआ, तो क्या ये वी वाई बाई वी एक्स है? और वी वाई क्या आ गया है? वी नॉट वाई माइनस जी टी आया है क्या? तो इसे क्या लिखो, वी नॉट वाई माइनस जी टी, और वी एक्स को क्या लिख दो? क्या वी नॉट एक्स? ऊपर देखो, समझ में आई बात? तो टेन थीटा में मेरा क्या आ गया, वी नॉट वाई माइनस जी टी अपॉन वी नॉट एक्स आ गया। तो थीटा क्या आ गया, टेन को उधर ले जाओ, टेन इनवर्स, तो वी नॉट वाई माइनस जी टी अपॉन वी नॉट एक्स। चूंकि हमें वैल्यू नहीं पता है, नहीं तो टेन थीटा की वैल्यू निकाल देते देता, इसलिए इसे टेन इनवर्स करके लिखते हैं कि पेंडिंग है, निकाली जाएगी तो फिर टेन इधर ले आएंगे। बोलो समझ में आ गई? एक बार फिर से समझो, बाकी तो कंपोनेंट जो हमने दिखाए थे वो इस तरीके से हैं। और यहाँ पर जो वी वी साइन थीटा ना लिख करके, वैसे तो वी साइन थीटा ही इन सब के इक्वल है, क्योंकि हम थीटा निकाल ही रहे हैं वी वाई कंपोनेंट का, ठीक है? सो इट इज़, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसका यूज़ करेंगे। और फिर से एक बार आपको सिंप्लीफाई करके ये क्वेश्चन बता देता हूँ कि अगर ए पार्ट देखिए, कोई चीज़ ऐसे गई, ऐसे जाने पर उसका शुरुआती क्या था, क्या वी नॉट था? तो इधर क्या हुआ, क्या वी नॉट एक्स हुआ? तो ऊपर क्या हुआ बताओ, क्या वी नॉट वाई हुआ? बोलो, इतना ठीक है? ये वी नॉट, ये थीटा नॉट। अब किसी बीच की पोजीशन में, तो किसी बीच की पोजीशन में भी दो कंपोनेंट होंगे, वो कौन कौन से होंगे? पैरेललोग्राम ध्यान रखना, ऐसा ग्राफ बनाना कि इससे पैरेललोग्राम बन जाए, ये नहीं कि एक लंबा कर दो। तो ये वी एक्स हुआ, ये क्या हुआ, क्या ये वी वाई हुआ? अब फार्मूला लगाओ, अलोंग वाई एक्सिस क्या वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी? तो वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई, वी वाई वाई की तरफ ले रहा हूँ, ऊपर ऊपर के कंपोनेंट। बात समझ में आई? सब वाई वाई के ही तो ले रहा हूँ। और माइनस जी टी, यहाँ की वेलोसिटी, शुरुआती वेलोसिटी वाई की तरफ, वाई की तरफ वर्टिकल एक्सीलरेशन, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी, तो ये वी वाई आ गया। क्या अब मैं इसी वी वाई को यहाँ लिख दूँ, ट्रांसफ़र कर दूँ? क्योंकि अभी हमें टेन थीटा निकालना है ना, यही तो है वी वाई। और साथ ही साथ क्या जो वी एक्स है वही वी नॉट एक्स है, क्योंकि ये कभी बदलता नहीं है कंपोनेंट, बताओ। तो अब ये मुझे बताओ टेन थीटा क्या हो गया, क्या वी वाई बाई वी एक्स? लेकिन वी वाई यहाँ से क्या है, अच्छा तो फिर ये बताओ वी एक्स क्या है, क्या वी नॉट एक्स? तो थीटा क्या है, बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और चीज पूछ रहा है बी पार्ट में, कह रहा है कि इसकी रेंज बताओ। सो शो दैट द प्रोजेक्शन एंगल थीटा नॉट फॉर प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम एंगल, कह रहा है अब हमें थीटा नॉट चाहिए फ्रॉम द ओरिजिन वेयर द सिंबल गिव्स देयर यूजुअल मीनिंग। तो अब हमें थीटा नॉट पूछ रहा है, कह रहा है इसका थीटा नॉट का टर्म इन सब के टर्म्स में बताओ। तो अब देखिए कि अब अगर यहाँ पर रेंज क्या होती है, रेंज का फार्मूला क्या होता है सताक्षी? अच्छा, इट इज़ यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये तो रेंज होती है, ये शुरुआती वेलोसिटी है, लेकिन अब उसे वी नॉट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन कहता है यू नहीं लिख सकते, वी नॉट लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। और एच क्या होता है, बोलो, थीटा अपॉन टू जी। क्या मैं इस क्वेश्चन में आर बाई एच कर दूं?
और देखूं क्या आता है, तो क्या वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी आएगा, और नीचे क्या आएगा, क्या वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, और क्या ये जो थीटा है ये थीटा नॉट के लिए लिया गया है, क्योंकि इनिशियल एंगल ही तो है, बोलो। जी से जी गया, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर गया। अच्छा, अब हमारे पास आर बाई एच क्या बचता है, साइन टू थीटा का क्या फार्मूला है, थीटा कॉस थीटा नॉट अपॉन साइन स्क्वायर थीटा नॉट। तो क्या एक साइन थीटा नॉट एक साइन थीटा नॉट से कट गया, तो अब यहाँ पे क्या चीज़ आ गई कि टू है और एक और टू, हाँ तो ये टू भी तो था, तो ये ऊपर चला गया, अब ये टू लिखो। सो आर बाई एच इज इक्वल्स टू फोर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये एच आर बाई एच आ गया। इसको पलट दो आर बाई एच को, क्योंकि हमें टैन थीटा चाहिए, कह रहा टैन के टर्म्स में बताओ, तो पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले आर बाई फोर एच लिखो, तो दैट इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, अब पलटो तो पलटने पे क्या आ जाएगा। अच्छा एक गलती कर दिए, नॉट लगाना भूल गए हैं आप लोग, नॉट लगा लीजिएगा, तो पलटने पे क्या फोर एच बाई आर आ जाएगा, और क्या टेन थीटा क्या आ जाएगा, क्या फोर एच बाई आर आ जाएगा, तो थीटा नॉट क्या आ जाएगा, क्या टेन इनवर्स फोर एच बाई आर आ जाएगा, बोलो सताक्षी, समझ में आ गई बात। थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया तो फिर से समझो कि हमारे पास R क्या है, जैसे कि R की वैल्यू क्या होती है और H की वैल्यू क्या होती है। सो यहाँ पर देखिए, दैट इज R और H के टर्म से बताना है, तो H होता है U स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, और R क्या होता है U स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये G से G कटा, U स्क्वायर से U स्क्वायर कटा, ये नॉट लगाया, तो H बाई R इट इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा नॉट, और नीचे क्या आ गया, टू नीचे खिसक आया, और साइन टू थीटा को क्या लिखा, टू साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट, बोलो समझ में आई बात। यानी अगर आप साइन टू थीटा है तो साइन टू थर्टी डिग्री ही ले लो, तो इसको हमेशा टू साइन थर्टी और कॉस थर्टी लिखा जा सकता है। साइन टू इंटू थर्टी क्या साइन सिक्सटी होता है, और क्या इसकी वैल्यू रूट थ्री बाई टू होती है, यहाँ से वैल्यू निकालो, क्या ये वन बाई टू है, और ये क्या रूट थ्री बाई टू है, क्या सेम आ गया। तो इस तरीके से साइन टू थीटा क्या होता है, क्या टू साइन थीटा कॉस थीटा। अदरवाइज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के चार वीडियो भेजे, उनसे देख के भी आप डिडक्शन कर सकते हैं, बट समझ में तो आ गई ना बात। तो फोर ऊपर ले जाओ, तो फोर एच वाई आर क्या हुआ, और साइन स्क्वायर थीटा में से एक स्क्वायर कट कर दो, तो क्या हुआ, क्या यहाँ टेन थीटा बचा, सो थीटा नॉट क्या हो गया, क्या टेन इनवर्स फोर एच बाई आर हुआ, बोलो बात समझ में आई। चलिए तो फिर अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़